इस वीडियो में आपको दो सवाल का जवाब मिलेगा। पहला सवाल है, इज इट अलाउ फॉर ए फार्मासिस्ट टू सेल मेडिसिन विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, इज इट अलाउ फॉर ए फिजिशियन टू ओपन ए फार्मेसी शॉप। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं साइंस स्टडी मीडिया। ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। यहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, उसी तरह फार्मेसी एक्ट 1948, एनडीपीएस एक्ट 1985, इन सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसी तरह प्राइस कंट्रोल, उन सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं आपको जो आंसर दूंगा वो लीगल आंसर है। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन सारा इंफॉर्मेशन नहीं है। उस इंफॉर्मेशन मैं गूगल से कलेक्ट कर चुका हूँ और इन सारे चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। हमारा पहला सवाल था, क्या एक फार्मासिस्ट बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई बेच सकते हैं या नहीं। इसका आंसर है, कुछ दवाई ऐसे है जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन कुछ दवाई ऐसा भी है जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के बेच सकते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, उसके शेड्यूल एस में जिन ड्रग्स को लिस्टेड किया गया है, ये है प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी है जो प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स नहीं है, दैट मीन्स प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स के लिस्ट में वो नहीं आते हैं, उनको कहा जाता है नॉन प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स या तो ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओटीसी ड्रग्स भी कहा जाता है। प्रेस्क्रिप्शन के बिना फार्मासिस्ट लोग बेच सकते हैं, लेकिन भारत में ओटीसी ड्रग्स का कोई लिस्ट नहीं है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे दवाई है जो प्रेस्क्रिप्टेड लिस्ट में नहीं आते हैं, इसीलिए वो नॉन प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स है, लेकिन उसका कोई एक लीगल जो रूल होना चाहिए इंडिया में वैसा नहीं है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आर चंद्रशेखर जी ने 2020 में ये बोल चुका है कि भारत में इसके लिए लिस्ट बनाया जा रहा है, इसके लिए एक रूल आ रहा है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन कौन सा होगा, इसके लिए कंसल्टेटिव कमिटी बनाया गया है और कंसल्टेटिव कमिटी इसका रिकमेंडेशन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी को देगा और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की तरफ से सरकार को दिया जाएगा और सरकार उस पर फाइनल डिसीजन लेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो नॉन प्रेस्क्रिप्टेड ड्रग्स है उनका लिस्ट रहेगा, उस पर एक ऐसा भी लिस्ट रहेगा कि बिलो द काउंटर ड्रग्स। ये जो दवाई होगा ये सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट लोग ही बेच सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन मार्केट में बहुत सारा दवाई ऐसी है, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे दवाई के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तक मार्केट में चल रहा है और प्रेस्क्रिप्शन के अंडर में नहीं आते। मैं जो मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, हो सकता है कि एक दो साल बाद इनमें से बहुत सारा दवाई प्रेस्क्रिप्शन के अंडर में चले जाए जब लिस्ट आए, तो इसलिए जब लिस्ट आएगा एक दो साल बाद आपको उस लिस्ट को देखना होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसा कि कुछ दिन पहले एस्पिरिन ड्रग जो है वो नॉन प्रेस्क्रिप्शन था, लेकिन दिल्ली में उसको प्रेस्क्रिप्शन के अंडर में लाया गया है, तो इसलिए मैं जो ड्रग्स के बारे में आपको अभी बताऊंगा, हो सकता है कुछ साल बाद यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ सके। चले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा ऐसे ड्रग्स है जो ओवर द काउंटर में आता है। कॉफ कोल्ड फीवर के लिए कोरेक्स एविल मेटासिन कैल्पोल, उसी तरह हेड एक बॉडी एक, इन बीमारियों के लिए ब्रूफेन कॉम्बीफ्लेम भोबेरॉन बोलिनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स लाइक हाइपर एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन डायरिया नोसिया, इसके लिए है डाइजिन जिनटेक लोमोटिल, स्किन एलिमेंट्स लाइक राशेस काट बर्न्स, इसके लिए है एरोल कैलाड्री बीटाडिन कैंडिड फ्लूटिबेट सेफ्रोमाइसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बीकेशुल कोबेडॉक्स
पोलीबियन, प्रोटीनेक्स, फेराडोल। ये मैंने जो दवाई के बारे में आपको बताई है ये स्लाइड शेयर वेबसाइट से ले चुका हूँ। इसीलिए सरकार का जो नया रूल आ रहा है, नया लिस्ट आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एक दो साल बाद जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि सरकार का जो लिस्ट है उनको फॉलो करें। दूसरा सवाल यह था कि क्या एक फिजिशियन फार्मेसी शॉप खोल सकता है या नहीं। इसका आंसर है नहीं है। MCI गाइडलाइन आप देख सकते हैं, फार्मेसी एक्ट 1948 देख सकते हैं। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद मालूम होता है कि फिजिशियन फार्मेसी शॉप नहीं खोल सकता है। मैं जो बात करता हूँ लीगल बात करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ, कम समय में सारे बात बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।